अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो भी औलाद है अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करे, जो कर्ज़दार अल्लाह पाक उन्हें कर्ज से निजात दे, और जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। या रब, तो हमारी सुबह का आगाज़ देखें कितना खूबसूरत सुबह सुबह हुआ है, और सुबह सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि नमाज हो गई, और अब्बू की रात को जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी फिर से। मेरे पर भी नमाज पढ़ रहे, अम्मी ने अभी नमाज पढ़ लिया तो मैं भी जा रही हूँ चाय चढ़ाने। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, सब ठीक है। अम्मी आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं और आपको खुश देखकर सब खुश हैं माशाल्लाह। सब कह रहे हैं हाँ कि आपके अम्मी यहाँ के। आमीन आमीन। मैं चाय बना दूँ, अबू गए अभी नमाज पढ़ने। माशाल्लाह अबू और अम्मी की चाय जो है मैंने शुगर फ्री निकाल ली, उनके साथ रस भी है, जो मैंने चीनी डाल दी है। पहले अम्मी अबू को दे देते हैं, उसके बाद ये भी पक जाएगी चीनी अच्छी तरह, इसे ले जाएंगे। अम्मी ये शुगर फ्री है फिर? हाँ दोनों, अम्मी की भी और आपकी भी। आपने चाय पी भी ली? अबू अभी भी पी रहे हैं और सितारा भी आ गया। अम्मी भी अभी जो ना मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। हस्बैंड जैसे ही बच्चों को छोड़ के आए हैं तो सब्ज़ी लाए, शलगम और मटर, क्योंकि अब्बू ने कहा है आज शलगम और मटर बनाएं। यहाँ पर अम्मी और मैं जो है ना बना रहे हैं सब्ज़ी, और अब्बू जो है ना यहाँ पर बैठे खबरें सुन रहे हैं। यहाँ पर देखिए कूंजें कितनी सारी है ना समंदर पर आई थी, ये जा रही है अभी। ये डेली का मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, डेली का जो है ना इस तरह से टोले टोले निकलते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से जा रही है कतार में आगे चली गई है। अभी भी आ रही है, पता नहीं इतनी ज़्यादा कहाँ पर थी। जनाब अबू ने ब्लाइजर लगाया, अब फर्क है कुछ? हाँ है फर्क, थोड़ी देर में आ जाए। चले चले, मैं बाद दो बार दिन में लगाना बोलता हूँ। और तुमान जाना रात को देर तक जागती है तो अभी तक भी सो रही है, 10 का टाइम है। चलो यहाँ पर शलजम जो है ना बॉईल हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो ना मिसाले वगैरह तैयार कर रहे हैं। सब मिर्ची भी काट ली, मटर भी हमने निकाल दिए और टमाटर निकालने, अदरक छील रहे हैं, यहाँ पर प्याज भी कट कर लिया है। सुनाएं क्या बना रहे हैं आज? ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं किसी को नहीं देता। नहीं बताते? और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं और मैं बैठ कर ना इन्हें देख रही हूँ। ये आज नहीं बैठी ये तो आपने बिठाया है ना ऐसे जी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं, जो ना शलजम बॉईल हो गए हैं, और इनको अलग से एक दूसरे बर्तन में डाल दिया। पानी जो है ना मैंने का जो पानी है ना वो निकाल दिया और इसको छन्नी में रख दिया खुश्क होने के लिए। उसके बाद जो है हम इसे मैशर से मैश करेंगे। दबा के करना है बिल्कुल बारीक, इसमें गिठलियाँ ना रहे हैं जैसे होते हैं ना, थोड़े थोड़े बच जाते हैं। प्याज जो है ना ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें जो ना लहसुन अदरक शामिल करें। तो अभी जो ना एक टीस्पून जो ना लाल मिर्च पाउडर,
इसे ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, जो ना इसकी फुनाई होगी। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, दो टमाटर, और इसके साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे एक चम्मच, टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। आयत ओपन ओपन आयत ओके। माशाल्लाह यहाँ पर मसाला जो है एकदम रेडी हो गया। तो अब इसमें जो है मटर शामिल कर देंगे, तो इसमें एक चम्मच हल्दी, गरम मसाला की जन खड़े मसाले, थोड़े से खड़े मसाले, और मसाला जहाँ पर मटर जो है एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब इसमें जो शल जम के वो डाल देंगे इसमें, और उनको जो है इस तरह पीस के बना लिया, शामिल कर दिया है। अब जो है इसको मिक्स करेंगे और देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है। और इनको मिक्स कर दिया अच्छी तरह, जब ये पानी जो ना सूख जाए और घी जो ना ऊपर निकलने लगे, और उसके बाद जो इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, इसको बंद कर देंगे ढक्कन देंगे, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और पक जाएगा, मसाला भी अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पर ईमान उठ कर आ गई, ईमान जाग हो गई, वो अब्बू को खांसी हो रही, आज आज आप तो सो रहे थे, अचानक से फिर से खांसी जो ना एकदम से अटैक करती है, जैसे बेहोश हो जाते हैं। अब्बू को जो है ना, और मेरे अब्बू को जो है ना सालन बनाया जब, तो इसके धुएं से भी ज़्यादा खांसी हो जाती है। तो उस वाले रूम का जो ना अभी जो ना मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अभी यहाँ पर सालन को देखने गए। अब माशाल्लाह यहाँ पर सालन जो है एकदम रेडी हो गया, तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं। देखो यहाँ पर पानी नहीं है, घी छोड़ रहे हैं, ये देखो। तो अब इसमें जो ना सब धनिया डालेंगे जो मैंने पहले ही वॉश करके इसमें डाल दिया है, तो बस अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह चूल्हा बंद कर देंगे। एकदम हो गया रेडी, तो अब बस इसे कवर कर देंगे। पर नान जो ना फ्रिज में पड़े थे, मैंने उन्हें पहले जो ना पानी से भिगो दिया है, और अब जो ना इसको घी लगा के इस तरह बना दिया। ये देखिए काफ़ी मज़े, और चाय के साथ खाएं बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। आगे पेपर देखकर ये भी आ गई, आई अभी आ गई, और मेरे हस्बैंड भी, खाना हमारा लग गया है। अब्बू के साथ में, अब्बू के लिए जो है मैंने मोटी मोटी रोटी बनाई है और सलाद भी है साथ में, ईमान भी आ गए। ईमान के लिए चीनी वाला पराठा बने अभी नहीं, उस वक्त जिद कर रही थी मुझे बना कर दे। और यहाँ पर अम्मी भी आ गई हैं खाने पर, सितारा भी आई है। कैसा बनाया सितारा सालन, किसने बनाया? हम दोनों ने मिलकर बनाया, बहुत बना हुआ। दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर को भी निकला है सर, दे रहे एक टाइम दोपहर को भी देना है। जो है ना देखिए अपने, ये फारूक को देख के ना खुश हो रहा है, साइकिल हमजा खेल रहा है इसका। आया था ये मामू को बताने कि हमजा ने मेरा साइकिल ले लिया है। यहाँ पर मेरी जो बेटी है अन्नू, सब मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अन्नू कौन है। अन्नू जो है ना मेरी जो बेटी है, उसका नाम फौजिया, तो उसे अन्नू बुलाते हैं हम। और ये उसने बनाई है चाय मेरे अब्बू के लिए, शुगर फ्री, बाकी सब के लिए जो ना चीनी डाल के बना रहे हैं। इसके फुफ्फो को इसकी चाय बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि आज फौजिया बनाए मेरे लिए चाय। पर मैं बना रही हूँ चावल की रोटी, उसके लिए मैं चावल का आटा चाहिए। बहुत सारे कमेंट आए कि आप बताएं कैसे बनती है चावल की रोटी, और इसमें मैं नमक डाल दूँगी। और ये देखिए इसमें पानी डाल के ना पहले जो है ना इसको इस तरह से अच्छी तरह से जो है ना गूंद लें, जैसे एकदम से ना, फिर इसमें हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको जो है ना पतला करते जाएंगे।
पहले इस तरह ऐसे करके ना इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना गूंदना है ऐसे। और यहाँ पर ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें मिक्स करके ना ऐसे ऐसे बारीक, और थोड़ा सा पानी भी डाल डाल के ना ऐसे इसको जो है ना ऐसे बारीक बारीक पेस्ट बनाते जाएंगे, यानी ज़्यादा भी पतला ना हो, गाढ़ा बनाएंगे थोड़ा। और ये देखें इस तरह वाले चम्मच, और तवा जो मैंने चढ़ा दिया है, और इसको जो ना हल्का सा ग्रीस करना, और बाद में जो है ना अब इसके ऊपर जो ना कप या कोई कटोरी वगैरह या किसी भी बर्तन से ऐसे बनाएंगे, गोल गोल यही करना है इसको। मेरी मम्मी तो हाथों से करती थी, मेरी भाभी वगैरह कोई कटोरियाँ वगैरह रखती हैं तो मुझे, उस दिन मेरी भाभी आई थी ना हमारे घर, तो उन्होंने मुझे आटा गूंदना बताया और सिखाया कि इस तरह बनता है, नहीं तो मुझे भी नहीं आता था। इस तरह आप इसको गोल गोल करते जाएंगे और ये रेडी हो जाएगा, एकदम बहुत मज़े का बनता है। और जबकि ऐसे बन गए तब से आराम से जो है चिमटे की मदद से या छुरी की मदद से मैंने इस तरह करना है। उसके बाद जो है ना ऐसे आप चिमटे की मदद से जो है ना ऐसे चेंज करना है इसको, और बस ये देखो दूसरी साइड इस तरह को आप इसको जो है इस तरह आप घी लगा दें ऊपर। अभी जो है ना मेरे हस्बैंड आए हैं कलेजी मुर्गी की, तो वो बना रहे हैं अभी, तो अभी जलाए फौरन से बना रहे हैं ताकि इसके लिए मसाला वगैरह सब कट किया हुआ है। यहाँ पर अबू जो है पहले इंजेक्शन लगे हैं, उसके बाद जो खाना लगे, अबू जो है ना घर वाली रोटी खा रहे हैं, साथ में शलजम का सालन है, कलेजी भी नहीं खा रहे। यहाँ पर खाना जो है ना सब लोग आ गए, अम्मी भी आ गए हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह खाना जो है ना मेरे हस्बैंड ने बनाया खाने के बाद जो हमारी चाय हो गई है रेडी। अब्बू और अम्मी को जो है मैंने पहले चाय दे दी है शुगर फ्री, आप ले लें पहले। क्या देख रही हो कौन सा भरा हुआ है आप बाबर आज आज पीजा थर्ड ये थोड़ी चाह। और ये आप सुमेरा ले ले। और भी खाना शाना खा के सब लोग फ्री हो गए हैं, तो अभी जो अब्बू को दे रहे हैं टैबलेट, और इसमें रख के ये मैंने पहली बार देखी इस तरह की कि इसमें कैप्सूल रखें, यहाँ पर कैप्सूल आएगा और फिर इसे पुश करना है और ऊपर से जो है इससे जैसे भाप लेनी है। पर ईमान जन मुझे टैबलेट निकाल के दे रही है, बस चलो इस एक इसके अंदर डाल दे ऐसे देखें ये नज़र आ रही है, इसको ऐसे जो है बंद करना है, और इसके बाद जो इसको इस साइड से जो ये देखें कैप्सूल पुश करना है, और इसके बाद जो ये खुद ब खुद ही खुल जाएगा, और अब्बू जो ना यहाँ से सांस लेंगे। पर जो ना हम दोनों ने जो ना ड्यूटी लगाई अपनी, सुबह के टाइम मेरी और शाम के टाइम जो ना सितारा की, तो अभी जो ना ये बना रही हैं ऐसे सुबह तो अभी भी मैंने ये ले भाभी भूल गई नहीं मैंने आपको याद नहीं दिलाना था ना, मैंने कहा ये कर ले, अगर याद आ गया तो फिर सितारे करेगी नहीं कि हाँ ये तो भाभी की बारी थी। और बाकी वो कतरे डालने हैं 8, इससे काफी जो नब्बू को रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ी सी कम हो गई है खांसी। पर ये भी कहा जा रहा है कि अदरक के जो ना रस में जो ना शहद मिला करते, तो वो भी अब्बू ने काफ़ी बार इस्तेमाल किया, नहीं उससे फ़ायदा हो रहा। उसके बाद जो है ना काली मिर्च वाला भी ट्राई किया है, देसी घी का कहा है वो भी, यानी सऊदी अरब ने सारी टिपें आजमाई लेकिन उससे किसी कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। अमरूद का खाया का कहा है कि वो खाएं, और अमरूद जो है ना कच्चा उसको आग में जैसे होता है कोयलों पर भून कर पका कर अच्छी तरह, वो भी अब्बू ने खाया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब इस दवाइयों से फ़र्क हो रहा है माशाल्लाह। ये रहा जो गिफ्ट दिया है सितारा ने मुझे, और मेरे हस्बैंड ने पसंद किया, सितारा ने गिफ्ट मुझे दिया और मेरे हस्बैंड ने जो पसंद किया मेरे लिए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया, गपशप भी हो गई काफ़ी सारी देर ऐसे, और मेहमान आए थे वो भी चले गए, और घर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुशी भी है,
क्योंकि वालदैन इतनी अच्छे बाद आए हैं। और थोड़ा टेंशन ये भी है कि अब्बू को जो ना अचानक से जो ना खांसी जैसे एकदम से होती है, फिर ऐसे लगता है कुछ हो जाएगा अब्बू को, ऐसे जैसे बेहोश हो जाते हैं खांसते खांसते। तो दवाई दे रहे हैं इंशाल्लाह, आज भी दिए इंशाल्लाह, उससे जो ना काफ़ी फ़र्क हो गया। बाकी अल्लाह पाक करे रात जो ना उनकी खैरियत से कटे, और दुआ भी करते हैं क्योंकि मेडिसिन से काफ़ी जो ना फ़ायदा भी मिल रहा है यहाँ पर, और इन दवाइयों से काफ़ी कंट्रोल हो रहा है खांसी का। सिरप भी नहीं दिया कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बाकी आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक करे जल्दी से मेरे अब्बू ठीक हो जाएं और उनकी खांसी भी ठीक हो जाए। और उसके बाद जो उनका आई, वैसे चेकअप तो हो गया लेकिन ऑपरेशन का अभी भी नहीं कंफर्म हो रहा कि कब होगा। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ डेली का, कहती हूँ कि आज मुझे जाने दें, लेकिन कहते हैं आज रुक जाओ कल चली जाना, आज रुक जाओ कल चली जाना। तो मैंने कहा अभी कुछ लेट होगा तो इंशाल्लाह मैं बाद में आ जाऊँगी, अभी मुझे जाने दें। तो कल का है, हो सकता है शायद मुझे जाने दें, अगर इजाज़त देंगे दिल से तो मैं वापस चली जाऊँगी। बाकी आप सब यही दुआ करें कि मेरे अब्बू जो है ना जल्दी से ठीक हो जाएं और खैरियत से जो है ना पंजाब भी हैं हमारे पास, हमारे बच्चों के पास। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसी खुशियां हैं हमारे घर में वैसी बरकरार रहें। तो अल्लाह हाफिज़, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।